जनकपुर धाम अपने आप में कई स्मृतियां समेटे हुए है। मान्यता है कि यही भगवान राम की अर्धांगनी सीता का जन्म हुआ था। कई स्मृतियां समेटे स्थल पर ही जानकी मंदिर है, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के टीक मगढ़ की रानी वृषभानु कुमारी ने कराया था, जो 1895 में शुरू होकर 1911 में पूरा हुआ था। उस समय इस मंदिर का निर्माण 9 लाख रुपए में हुआ था, जिससे जानकी मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। इस भव्य मंदिर में 115 सरोवर और कुंड है, जिनमें गंगा सागर, परशुराम कुंड और धनुष सागर अहम है। कहा जाता है कि जनकपुर में ही विदेह राज जनक जी के यहाँ विशाख शुक्ल नवमी को माता जानकी का अवतार हुआ था। श्रद्धालु इस अवसर को जानकी नवमी के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जनकपुर का दूसरा प्रमुख त्योहार विवाह पंचमी का है। यही वो पावन दिन है जब माता सीता का विवाह राज्य राजेंद्र महाराजा के साथ हुआ था। इस खास अवसर पर जानकी मंदिर को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया संवारा जाता है। नेपाल से भारत का राजनीतिक जुड़ाव भी रहा है। इस मंदिर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह और प्रणब मुखर्जी ने घोटा सोपचार विधि से राम जानकी मंदिर में पूजन कर चुके हैं। नेपाल के पवित्र नगरी जनकपुरी पहुंचने के लिए सबसे आसान बिहार के सीतामढ़ी शहर से होकर जाता है। सीतामढ़ी तक आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं, वहां से बस से नेपाल की सीमांत बाजार पीठा मोड़ से नेपाल रोडवेज की बसों के द्वारा जनकपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप चाहे तो सीतामढ़ी से दिन भर में जनकपुर घूमकर वापस भी लौट सकते हैं।